दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आरसीसी कंपाउंड वाल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ एक बड़ा ऐसा ये प्लॉट है दोस्तों, यहाँ इसकी बाउंड्री जो की गई है, ये यहाँ पे रेडीमेड जो कंपाउंड वाल होता है आरसीसी का, ये यहाँ पे यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया। इस दीवार का डिज़ाइन आप दोस्तों देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर ये डिज़ाइन में आपको मिल जाता है और ये काफ़ी मजबूत भी होता है। इसे आप कई सालों तक यूज कर सकते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपका आरसीसी का होता है। इसमें आपका 6 mm का सरिया भी इसमें इस्तेमाल करके तब इसको ढलाई करने के बाद इसको बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 1-1 फीट का जो पट्टा इसका है, पट्टा का शेप में ये बनाया गया है। आप ऊपर का इसका डिज़ाइन देखेंगे, ये एक बहुत ही शानदार लुक यहाँ पर दे रहा है आपके बाउंड्री को। और यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 फीट का आपका पट्टा जो दिखाई दे रहा है, ये 1-1 फीट का सेक्शन आपको मिलता है और ये चौड़ाई इसकी आपको 6 फीट की चौड़ाई है। और ये नीचे से ऊपर तक आप 6 फीट यूज करें, 7 फीट जितनी भी आपकी लंबी बाउंड्री होती है उतना सेक्शन आपको यूज करना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये 5 फीट तक आपको ये पट्टा 5 यूज किया गया है और ऊपर 1 फीट का आपका डिजाइन का यहाँ पे जो पट्टा है वो यूज किया गया है, यानी टोटल ये 6 फीट में बाउंड्री बनाई गई है। और दोस्तों इसका जो आप एक सेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 5 फीट 6 फीट जितना चौड़ाई का आपको चाहिए वो मिल जाता है। इसको लगाने का भी बहुत आसान तरीका होता है। इसको लगाने के लिए आपको जो आपको पिलर ये आरसीसी का यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 4 इंच का इसमें पिलर जो है ये भी आपको इसके साथ मिल जाता है। इस पिलर में दोस्तों सिर्फ खांचा बना होता है, उसी खांचे में आपको ऊपर से ये पट्टा फंसाना होता है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो पिलर है उसको आपको थोड़ा सा अपने साइड पे रोड़ी और बजरी सीमेंट लेना है, उसको आपको गड्ढा खोद के और पहले पिलर को वहाँ पे लगा लेना है। फिर उसके बाद जो ये पट्टा है आप ऊपर से उसमें फंसाते जाएंगे। इस पिलर में आपको जैसे यहाँ खांचा दिखाई दे रहा है, वो खांचा बना होता है, अपने आप उसमें फंसते जाता है। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो जो फंसने के बाद जो साइड से थोड़ा सा गैप दिखाई देता है वो आपको वहाँ के सीमेंट लगा के और उसको अच्छे से मरम्मत कर देना है, जिससे इसकी मजबूती भी बढ़ जाती है। दोस्तों वही मैं बता रहा था कि आप जो इसका मटेरियल देख रहे हैं ये पूरी आपकी कंक्रीट की बनी होती है, जिसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है। और आप इसे जब भी चाहें आप एक प्लॉट से जब यहाँ पे आप अपना घर बनाने लगेंगे तो यहाँ से निकाल के आप दूसरे प्लॉट पे उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। अब बात कर ले कि ये आपको रेट कितना पड़ता है, पूरा लगाने का मैं यहाँ रेट बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले कि जो भी आप रोड़ी बजरी और अपना सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो भी आपको पड़ेगा थोड़ा बहुत, और साथ में यहाँ मैं आपको लगभग 100 स्क्वायर फीट यानी कि मान लीजिए कि 20 फीट आपका लंबाई है प्लॉट का और आपको 5 फीट लगाना है तो 100 स्क्वायर फीट हो गया। तो 100 स्क्वायर फीट का दोस्तों यहाँ पे जो आपको रेट पड़ेगा वो यहाँ पे जो आरसीसी पिलर यूज किया गया है, आपको 4 इंच का पिलर दिखाई दे रहा है और जो इसमें प्लेटें यूज की गई है 1-1 फीट का, जिसको मैं पट्टा कह रहा हूँ यानी आरसीसी स्लैब भी जिसे हम बोलते हैं, ये टोटल मिलाकर आपको 80 से 85 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाता है। बाकी इसमें जो आपको एक्स्ट्रा खर्चा लगता है दोस्तों वो सिर्फ आपका जो हम कंक्रीट यूज करते हैं उसका लगता है। इसमें लेबर जो चार्ज होता है फिक्सिंग का, वो जहाँ से आप सप्लायर से ये मंगाएंगे आपको उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो आप एक बार उनको कॉन्टेक्ट करेंगे, वो आपका एरिया देखेंगे, फिर उस हिसाब से वो लगाई और मटेरियल दोनों आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 95 रुपये स्क्वायर फीट में लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी सस्ते में और शानदार और मजबूत टिकाऊ आपका बाउंड्री वाल हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें इसमें ज़्यादा तराई की झंझट और ईंट की मटेरियल की मोर्टार की अरेंजमेंट करने का अपने साइट पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट सप्लायर जब ऑर्डर देने के बाद लाते हैं और फिक्स करके आपका काम कर देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत काफ़ी शानदार चीज़ है, आपको अपने प्लॉट पे ज़रूर इसे यूज करना चाहिए।